हेलो दोस्तों, हमारे चैनल मास्टर ऑफ करंट अफेयर एंड जीके में आप सभी का स्वागत है। और उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती की बहुत बड़ी खबर आ गई है कि जो आयोग का गठन होना था वो आयोग का गठन हो चुका है और उसमें सब प्रोसेस जो है क्लियर कर दिए गए हैं जिसको लेकर आए हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आगे जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को बयान कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है। यूपी से उत्तर प्रदेश में अब जो है प्राथमिक शिक्षक के लिए जो है नए नियम बन गए हैं, बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। तो आप लोगों को चलिए खबर सुनाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग के सम्मेलन का प्रारूप है, ये सब पूरा बन चुका है। इसमें तीन श्रेणी में बांटा गया है कि का वर्गीय सेवाएँ, इसके अंतर्गत उच्च शिक्षा में सहायक आचार्य एवं महाविद्यालयों के प्राचार्यों के चयन संबंधी सेवाएँ समाहित होंगे। खा वर्गीय सेवाएं माध्यमिक शिक्षा में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता एवं मल्टीग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी सेवाएं समाहित होंगी। और ये तीसरा देखिए, ग वर्गीय सेवाएं प्राथमिक शिक्षा में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति संबंधी सेवाएं समाहित होंगी। तो ये पूरा विस्तृत दिया हुआ है, चैप्टर द्वितीय इसमें सब पूरा दिया है कि आयोग से तात्पर्य अध्यक्ष तथा 14 सदस्यों से है जो आयोग के घटक हैं। अध्यक्ष आयोग का एक अध्यक्ष होगा। तो पूरा सब इसमें नियम लिखे हुए हैं। अब लास्ट में हम आपको केवल वही दिखाते हैं जिस बेस पे जो है सिलेक्शन होगा, किस टीचर का किस बेस पे सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों, ये है का वर्गीय, जिसमें उच्च शिक्षा में सहायक आचार्य है तो सामान्य ज्ञान एवं संबंधित विषय में लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। सामान्य ज्ञान 30 अंक, संबंधित विषय 70 अंक एवं साक्षात्कार हेतु जो है 30 अंक निर्धारित होंगे। और उसके बाद जो है आचार्यों महाविद्यालयों में प्राचार्यों की नियुक्ति है तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित आचार्यों की नियुक्ति के मानक मान्य होंगे, जिसमें एपीआई प्रशासनिक दक्षता विधि व्यवस्थापन हेतु अंक निर्धारित होंगे। साथ ही साथ साक्षात्कार के लिए अलग से अंक निर्धारित किए जाएंगे। और खा वर्गीय देख लेते हैं, उसके बाद जो है प्राथमिक शिक्षक के लिए गा वर्गीय देख लेते हैं, उसमें भी जो है पूरा विस्तृत दिया हुआ है। खा वर्गीय में सेवाओं में जो है संबंधित विषय एवं सामान्य ज्ञान की लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार हेतु निर्धारित अंक के अनुसार मेरिट का निर्धारण होगा। यही अभ्यर्थी यदि प्रशिक्षित स्नातक अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्य एलटी ग्रेड की योग्यता धारण करते हैं तो वह उस पद के लिए भी इसी लिखित परीक्षा से अर्हता होंगे। साथ ही साथ सामाजिक विज्ञान एवं विज्ञान के दो विषयों के आधार पर एलटी ग्रेड की अलग परीक्षाएँ भी आयोजित की जा सकेंगी। मेरिट का निर्धारण लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के अंकों के साथ होगा। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है जिसके लिए ये वीडियो बनाया गया है, इसमें देख सकते हैं कि गा वर्गीय सेवाएं, ठीक है, इसमें दिया है कि प्राथमिक शिक्षा में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती हेतु साक्षात्कार नहीं होगा। सीधे सीधे लिखा हुआ, इस परीक्षा में अभ्यर्थी के भाषा ज्ञान, शिक्षक अभिरुचि, सामान्य अध्ययन पर आधारित लिखित परीक्षा एवं केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अर्हता निर्धारित TET अथवा CET के प्राप्त अंकों के 1/4 अंक तथा अभ्यर्थी के मेरिट का भी अंक निर्धारित कर चयन किया जाएगा। अब ये इसका पूरा जब विज्ञापन जारी होगा, जो भी भर्ती आएंगी आगे, उसमें क्लियरली लिखा होगा कि किस तरह से जो है एकेडमिक मेरिट का किस गुणांक से जो है बनेगा। लेकिन इतना ज़रूर क्लियर कर दिया है आयोग ने जो है कि ये जो राज्य सरकार द्वारा एक परीक्षा होगी जिसे सुपर TET लोग आजकल कहते हैं, और उसके बाद TET परीक्षा होगी उसका 1/4 अंक, और उसके बाद एकेडमिक का भी होगा। लेकिन किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा वो तो जो है भर्ती विज्ञापन निकलेगा उसी में ही बताया जाएगा आप लोगों को। तो ये रही बहुत बड़ी खबर, आप लोग जो है इसे ज़रा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए तभी को पता हो सके ताकि। तो चलिए दोस्तों, गुड नाइट।